नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टैलेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है खुशी क्या है। खुशी की तलाश हम सभी को है, हमें कुछ कुछ इसका पता भी है, लेकिन फिर भी हमारी दशा उस कस्तूरी हिरन की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन फिर भी वो उस खुशबू की तलाश में उम्र भर दौड़ता रहता है। हम सुबह से लेकर शाम तक खुशी की तलाश में दौड़ते रहते हैं। असल में खुशी हमारे भीतर होती है, इसी बात को दोहराई गई है इस वीडियो में। आइए देखते हैं इस वीडियो को और सुनते हैं। धन्यवाद। खुशी चाहत है, खुशी खुशबू है, खुशी सुबह की मखमली लाली है, खुशी तिश्नगी है, खुशी एक अरदास है। खुशी कहाँ नहीं है, फिर भी इस जहां में कुछ लोग बेजार नजर आते हैं। खुश रहना, प्रसन्न रहना कितना आसान, पर हम बेचारों को इसका कुछ पता नहीं होता। हमारी दशा उस कस्तूरी हिरन की तरह है जो खुशबू की तलाश में जिंदगी भर दौड़ता रहता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। ठीक इसी तरह खुशी हमारे भीतर छुपी रहती है और फिर भी हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। किसी मैगजीन के पन्ने पे मैंने पढ़ा था, आनंद की खोज मनुष्य की बड़ी अजीब पहेली है। आनंद किसी खजाने में नहीं, उसकी खोज में होता है। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए, आनंद का रहस्य मिल जाता है। इस दुनिया में खुश रहना कोई मुश्किल बात नहीं, इसके लिए आपको तैयार होना होगा। छोटी छोटी बातें जाल बुनती है और हम फंस जाते हैं। ये जरूरतें छोटे छोटे जर्रे में बटकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस जाल को काटना है। जितनी भी हसरतें है, तड़प है, जिसके सहारे हम जिंदा है या जिसके सहारे हम जीते हैं और फिर भी प्यासे ही रह जाते हैं। किसी शायर ने कहा है, क्यों तड़पते हो किसी के साथ को, क्यों तड़पते हो किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। खुशी एक भरोसा है, इसे पाने के लिए भरोसेमंद बनना है। खुशी एक बहार है, इसके जीवन में आने से फूलों की तरह जीना आ जाता है। खुशी किसी के दर्द को सहलाना है, जिसे ये आ गया खुशी उसकी हो गई। खुशी एक बहती पवन है, इसे कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ इसके सर्द झोंकों में खुद को ढाल के लहलहाना आना चाहिए। खुशी एक महावर है जो हमारे जीवन को श्रृंगार से भर देती है। यहां कई चेहरे उदास नजर आते हैं, हर कोई अपने आप में गुम है। आप मुस्कुराना जानते हैं, पूरे दिन में जब भी मौका मिले मुस्कुराइए, आप खुशियां बांटिए, आपको हजार गुनी खुशी आपके हिस्से में मिलेगी। किसी के दर्द में खुशियों का मरहम भर दे। आप जब मुस्कुराएंगे, सामने वाला कैसे उदास रह सकता है। आपकी एक मुस्कान कई के दिलों को गार्डन गार्डन कर देगी, पर जब आप घृणा से भर जाएंगे, कई दिल उदास हो जाएंगे। यह एक आदान प्रदान गिव एंड टेक के नियम के तहत है। हमें प्रसन्नता के लिए पारदर्शिता अपनानी है, हमें पारदर्शक होना चाहिए। जब हमारे जीवन में सरलता आती है, प्रतिबद्धता आती है और खुशी के मार्ग को खोल देती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जबान हमें एक अच्छा वक्ता बना देती है। यही जबान जब फिसल जाए तो फसाद करा देती है। मीठी वाणी से कई के घर बस जाते हैं, कई टूटे दिल भी जुड़ जाते हैं। यही तो खुशी है। आप हंसी मजाक ठिठोली तो कर ही लेते होंगे, ये अटखेलिया किसी के दिल पर सवार करती हुई नहीं गुजरे, ये ध्यान में रहे। ये अटखेलिया खुशी की सहेलिया है। जब आपका मन प्रसन्न होगा, स्वस्थ होगा, तभी आप खुश रहेंगे। चिंता की आग में क्यों झुलसे, चिंता चिता समान है।
बेहतर सोचे, जो होना है हो जाने दो। वक्त की तवारीख में जो लिखा है बदल नहीं सकता, इसलिए धड़कते दिलों के साथ झूमते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर देखे आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप एक आशावादी सकारात्मक विचार के इंसान हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बस एक मुस्कान की ही तो बात है, ये जब बिखरती है तो कितने पलछिन जिंदा हो जाते हैं, जिसकी आहट से आपका मन गुनगुनाने लगे। बस ऐसे ही लम्हों को तलाशते रहो। खुशी इन्हीं खूबसूरत एहसास की सभा है, इसको सांसों में भर के चलो। चार्ली चैपलिन एक ऐसा किरदार थे जिन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया। उनका निजी जीवन बहुत कष्टदायक था, फिर भी वो हमेशा दुनिया को हंसाते रहे और अपने गम को छुपाते रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, हंसकर भी जीना है, रोकर भी जीना है, जब जीना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते जिया जाए। उन्होंने लिखा फिर, शीशा मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तब वो कभी हंसता नहीं। आगे उन्होंने कहा, मैं हमेशा बरसात में घूमना पसंद करता हूँ, ताकि कोई मुझे रोते हुए ना देख सके। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। इसी बात पर किसी शायर ने खूब कहा, उन्हें लगता है हमें आदत है मुस्कुराने की, उन्हें लगता है हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो क्या जाने ये एक अदा है गम छुपाने की। तो दोस्तों, हमें खुश रहने के लिए अपना दुख भूलकर दूसरों की खुशी में खुश रहना होगा। मनोविज्ञान भले ये कहे कि आदमी हमेशा खुश कैसे रह सकता है, उसका मूड बदलता रहता है, विज्ञान बुद्धि से सोचता है, हमें बुद्धि के साथ दिल की भी सुननी है। सोचो, कोई आदमी गरीब है और उसका मूड हवाई जहाज चलाने को करे, तो ये कैसे संभव हो सकता है। मूड चंचल मन की एक अवस्था है, वो अलहड़ हवा की तरह है, फूलों के बाग से गुजरे तो खुशबू फैलाती है और गंदगी के संपर्क में आकर दुर्गंध फैलाती है। मन के मूड का भी ऐसा ही कुछ है, विज्ञान बुद्धि के स्तर तक ही जा सकता है, भीतर की खुशी आनंद तक वो नहीं पहुंच सकता। वो किसी वस्तु स्थिति को बता सकता है, उसके हार्द तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं। इसीलिए दिल की सुनो और खुश रहो। तितली की उम्र 14 दिनों की ही होती है, पर वो हर एक दिन को बड़े आनंद से अपनी मौज में जी लेती है। आनंद फिल्म का एक डायलॉग था कि बाबू मजाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आप कितना जिए ये जरूरी नहीं, आप कैसे जिए ये जरूरी है। कहते हैं जब आप मुस्कुराते हैं तो रब की अरदास हो जाती है, पर जब आप किसी को हंसाते हैं तो आपकी अरदास स्वीकार हो जाती है। चार्ली चैपलिन ने कहा है, जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराएंगे। खुशी एक खुशबू की तरह है, जितनी समेटो महकती ही जाती है। मेरे पहलू में वो आए भी तो एक खुशबू की तरह, मैं जितना समेटू वो बिखरता ही जाए। अंत में इतना ही कहूंगा कि प्रसन्नता, खुशी, मुस्कुराहट ईश्वर की एक उत्तम भक्ति है। हमें जिंदगी का एक नजराना मिला है, तभी तो किसी ने कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता है कौन। तो फिक्र छोड़ो और मौज में रहो, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका पीर, जो फिक्र की फांकी करे उसका नाम फकीर। धन्यवाद। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो
बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब खुश रहे, निरोगी रहे, धन्यवाद।